लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। शासन के फरमान को ताक पर रख खड़े किए हाथ। जहां एक तरफ संपूर्ण भारत विश्वव्यापी महामारी से पीड़ित है, तो वहीं लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन जैसी लड़ाई जारी है। इसी क्रम में COVID-19 को मात देने के लिए शासन ने आदेश जारी किया कि कोई भी मजदूर नौजवान व्यक्ति जो बाहर कर रहकर अपने परिवार की परवरिश करता था और लॉकडाउन के दौरान अपने घर को वापसी करता है, तो उसे 14 दिन तक अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, जिसमें उसके ठहरने व भोजन का सारा इंतजाम ग्राम प्रधान को करना है। लेकिन ग्राम बंदी विष्णुपुरा के ग्राम प्रधान शासन के इस आदेश को हवा में उछालते हुए बाहर से आए हुए ग्रामवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं किया है। न खाने की कोई व्यवस्था है, न सोने के लिए कोई प्रबंध। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। कहाँ रहते हैं? विष्णुपुरा। कहीं बाहर गए थे आप? कब आए हैं? यानी 20 को पकड़े, 21 को आए हैं। 21 को आए हैं। 21 को यहाँ घर आए, उसके बाद आपको मेडिकल जाँच वगैरह कराए हैं? नहीं कराए। मेडिकल जाँच नहीं कराए हैं? जैसे आपसे क्या बोलना है कि वही लोग लिख के ले गए थे, बोले कि फोन करेंगे जी, तो आ जाना चेक कराने के लिए। प्रधान आपसे मिले थे? नहीं मिले थे। प्रधान कोई निर्देश नहीं दिए आपको? नहीं। कैसे रहना है, चाहे घर पे चाहे कहाँ, क्या करना है? नहीं। प्रधान कोई जानकारी नहीं दी आपको, साफ सफाई और बर्ताव का किस तरह रहना है इसमें? प्रीतमा। कहाँ घर है? विष्णुपुरा। कहीं बाहर से आए हैं अभी आप? हाँ। कब आए हैं? अभी सुबह आए हैं, 9 बजे टाइम। सुबह 9 बजे के टाइम में आए हैं। कहाँ रह रहे हैं इस समय आप? अभी तो आज घर ही में। घर पे हैं? ठीक है। प्रधान जी आपसे मिले हैं आपके गांव के? नहीं। मेरा नाम संतोष विश्वकर्मा है। कहाँ घर है आपका? मेरा विष्णुपुरा गांव रहता है। विष्णुपुरा। बाहर से कितने लोग आए हैं? पहले हमारे यहाँ 5 लोग आए हैं जी, जो प्रधान जी की तरफ से कोई उनके जाँच पड़ताल नहीं हुआ, कोई निगरानी नहीं है। प्रवासी 5 लोग बाहर से आपके गांव में आए हैं जी, ये लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? ये अपने घर में रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, सब घुल मिलकर रहते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं इनको जी, कोरोना का कोई डर ही नहीं है। प्रधान द्वारा उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही? प्रधान जी को कोई जानकारी नहीं मिली है, ना कोई सुविधा मिला है। प्रधान जी तो उनके एकदम ढीले हैं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है गाँव से। ये जो बाहर से लोग आए हैं उनको मतलब ही नहीं कुछ, ये लोग कैसे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं उनका देखभाल करना चाहिए। प्रधान का पहला दायित्व बनता है, प्रधान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और न गाँव वालों को न कोई सैनिटाइजर दिए हैं, न मास्क दिए हैं, न कोई साफ सफाई, न कोई दवा छिड़का, कुछ नहीं हुआ। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलो से राजेंद्र यादव की रिपोर्ट।